चल रही है और हम लोग के फास्ट चल रहे हैं, पर जनरली क्या होता है, हम लोग फास्टिंग में ओवर ईटिंग कर जाते हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, और फास्टिंग का ये एम बिल्कुल भी नहीं होता है। फास्ट का जनरली उद्देश्य ये होता है कि हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन मिले, क्योंकि बाकी के दिनों में तो क्या होता है, हम लोग कभी भी कुछ भी खाते रहते हैं, पर फास्टिंग के टाइम पर हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे जो हमारी बॉडी को हल्का लगे, जिससे हमारी बॉडी ने जो भी एक्स्ट्रा या ओवर फैट एक्यूमुलेट कर लिया है, टॉक्सिन्स है बॉडी में, वो बर्न होने लग जाए, निकलने लग जाए। तो इसलिए फास्टिंग की जाती है कि हम लोग उस दौरान सही खाएँ, हल्का खाएँ, जो कि हमारी बॉडी के इस मैकेनिज्म को सपोर्ट करें। तो हम लोग अभी कुछ ऐसी डिशेस शेयर कर रही है आपसे कुछ वीडियोस में, और आज भी एक रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो कि काफ़ी टेस्टी है, हेल्दी है, और आपकी बॉडी को रिजुविनेशन में बहुत हेल्प करेगी। और उसके बाद अब फास्टिंग का रियल मीनिंग जो है, जिसमें फास्टिंग किया जाता है, उसमें बिल्कुल हेल्प करेगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। साक्षी बनाने वाली है दही पनीर, दही पनीर बनाने वाली, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पनीर का मैरिनेशन करेंगे। मैंने एक बाउल में ऑयल ले लिया है। तो ये ऑयल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये है सनफ्लावर ऑयल, और सनफ्लावर ऑयल बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने में बहुत हेल्प करते हैं। सो ऑयल में कारण डाल रहे, इसमें टेस्ट अच्छा आएगा, और कश्मीरी लाल मिर्च है क्योंकि इसमें मिर्ची नहीं होती लेकिन कलर अच्छा आता है। थोड़ी सी काली मिर्च ले लेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला। अब मैं इसमें कड़ी पत्ता, मीठा नीम होता है ना, उसको डालूंगी, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इतना ऑयल लिया है ना, इस पूरे ऑयल में ये पूरी डिश बन जाएगी, मतलब पनीर है ना, मैरिनेट भी हो जाएगा और पूरी डिश भी बन जाएगी। अच्छा, ये सनफ्लावर घी नहीं है, सनफ्लावर घी जिसको हम लोग डालडा बोलते हैं वो नहीं अच्छा होता है बॉडी के लिए, ये सनफ्लावर ऑयल है विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर बॉडी। उसमें पनीर डाल देंगे, तो ये मैरिनेट होके तैयार है और उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इस दही में थोड़े थोड़े मसाले वापस डालेंगे, काले मिर्च डालेंगे थोड़ी सी, जितना तीखा अपन को पसंद है उस अकॉर्डिंग काले मिर्च डाल देंगे, और कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, काला नमक डाल देंगे, काला नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, चाट टाइप का टेस्ट आता है। अब थोड़ा सेंधा नमक डाल देंगे, अब मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब थोड़ा गरम मसाला डाल देंगे। अब प्यूरी बनाएंगे, उसके लिए जो मैरिनेशन का बचा हुआ ऑयल था ना वो ही लेंगे, ज़्यादा ऑयल अपन लेंगे नहीं। अदरक डालेंगे बारीक कटी हुई, अदरक से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ी हरी मिर्च डाल देंगे, इसको अच्छे से सेक लेंगे, जब तक अदरक का रॉ फ्लेवर चला ना जाए तब तक सेक लेंगे। मैं थोड़ा भुना हुआ जीरा डालना भूल गई थी, इसमें भुना हुआ जीरा भी आप जब सब मसाले ऐड करें तभी डाल देना, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा भुना हुआ जीरा इसमें भी डाल देंगे। अब इसमें जो दही तैयार किया था वो डाल देंगे, और दही डालते ही तुरंत चलाना है, नहीं तो दही फट जाएगा। अब इसमें बहुत सारा पानी ऐड कर देंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक एक अच्छा सा उबाल ना आ जाए। तो काफी अच्छा उबाल आ गया है इसमें, बन गया ना अभी? हाँ ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा और पकाएंगे। तो ये
डिश जो है ना ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें सारी ऐसी चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में है नहीं। और अपन ने जो पनीर लिया है वो तो वेट लॉस में हेल्प करता ही है, और तेल भी बहुत कम है, तेल बहुत कम है और लाइट ऑयल है, तो ये बहुत ही अच्छा है वेट लॉस के लिए। बन गई, रेडी है अब ये सर्विंग के लिए, बिल्कुल रेडी है अब ये। अब जो पनीर अपन ने मैरिनेट किया था उसको इसमें डालेंगे। दही को उबालते टाइम पनीर नहीं डालना है, नहीं तो पनीर टूटने का डर रहता है, इसलिए जब आप सर्व करो उसी टाइम पनीर ऐड करो डायरेक्ट इसमें। पनीर सॉफ्ट भी बने रहेंगे, बहुत ही अच्छे। दही के पनीर अब रेडी हैं और काफ़ी अच्छी डिश है ये, बॉडी रिजुविनेशन के लिए, वेट लॉस के लिए बेस्ट डिश है। फास्ट में उसको बनाने के लिए, और बहुत ही टेस्टी लगता है ये, और बहुत ही